प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चेस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा सॉल्यूशन देखेंगे। ये जो है सवाल 1 है कि निम्न समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, तो इसको रैखिक समीकरण, देखिए इस समीकरण को इस तरह से दिया गया है और इसको रैखिक समीकरण के युग्म में बदलना है, उसके बाद ही ये हल हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल, और हल में हम लोग लिख सकते हैं दिया गया समीकरण है क्या दिया है, तो दो, देखिए दो बटे, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, दो बटे अंडर रूट में एक्स, तो दो बटे अंडर रूट में एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/√x, लिख सकते हैं प्लस में 3 और इंटू 1/√y लिख सकते हैं बराबर 2 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद से हम लोग इसको समीकरण 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 4 × 1/√x प्लस माइनस है, माइनस में 9 × 1/√y। ठीक है, बराबर यहाँ पे -1 दिया गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं समीकरण 2। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए, तो इसमें भी मैंने इस समीकरण में, पहले समीकरण में यहाँ पे 1/√x दिख रहा है, दूसरे में भी 1/√x दिख रहा है, और इधर देखा जाए तो 1/y है और यहाँ भी 1/y है अंडर रूट में। ठीक है, तो एक समान अगर ऐसे जो है सिचुएशन हो, तो इस सिचुएशन में हम लोग मानेंगे, माना रैखिक समीकरण में बदलना है तो माना कि 1/√x = p है। ठीक है, 1/√ किसके बराबर है, तो p के बराबर है, और 1/√y = q के। ठीक है, अब यही मान इस समीकरण में हम लोग रखेंगे, तो लिखेंगे यह मान समीकरण में रखने पर, और इससे पहले आप लोगों को बता दें कि इसके पहले जो जितने भी सवाल हैं, प्रश्नावली 3.6, प्रश्नावली 3.5, 3.4, 3.3 और 3.2 और 3.1 के सभी सवालों का सॉल्यूशन बताया गया है, तो आप लोग चाहें तो वीडियो के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो यह मान समीकरण 1 और 2 में रखने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखने पर तो समीकरण 2 में रख देते हैं और 1 में, तो यहाँ पे अगर हम लोग भरें तो 2 1/√x का मान पी रखना है, तो 2p हो जाएगा, 2 × p का मतलब 2p हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो 3 × 1/y है और 1/√ में y को 3 × 1/√y है, तो इसको हम लोग जो है q माने हैं, तो 3q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3q हो जाएगा। देखिए अब ये चूंकि ऊपर है तो ये गुणा के साथ ही होगा, इसके टोटल का मान p है, तो इसीलिए 2p हो जाएगा, 3p हो जाएगा, आई 4p हो जाएगा, ये 9q हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 4p माइनस में 9q। अब इसको समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है किससे हल करेंगे, विलोपन से करते हैं, तो विलोपन से करने के लिए समीकरण 3 में 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो लिखेंगे समीकरण 3 में
तीन से गुणा करने पर, तीन से गुणा करने पर, चूंकि विलोपन से करना है तो इनके ये वाले पद बराबर होने चाहिए, जैसे कि प्लस माइनस में है प्लस में है, तो इसको भी 9 कर दिया जाए और जोड़ दिया जाए तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें 3 से गुणा कर रहे हैं ताकि ये 3 3 के 9 हो जाएगा। तो पूरे समीकरण में 3 से गुणा करेंगे, तो इसमें समीकरण 3 में 3 से गुणा कर रहे हैं तो 3 दूना 6 पी हो जाएगा, 6 पी प्लस में 3 3 के 9, 9 क्यू ए, 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 यहाँ पे 2 भी तो रहेगा भाई, ये 2 छूट रहा था, ये 2 तो रहा करेगा, आई माइनस में 1 तो रहा करेगा, माइनस में 1 रहेगा, ठीक है माइनस में 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये जैसे है वैसे ही रहने देते हैं, और इसको समीकरण नंबर हम लोग अब 5 मान लेंगे। अब समीकरण 4 और 5 को जोड़ते हैं, समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 4 और 5 को जोड़ने, तो समीकरण 4 और 5 को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। तो समीकरण 4 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग समीकरण 4 को लिख लेते हैं, 4p माइनस में 9q बराबर -1 है, और ये है 6p प्लस में 9q बराबर 6, ये है ना 6 बराबर 6 है, ठीक है। अब जोड़ देते हैं तो जोड़ेंगे तो 6 4 10 पी हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा तो 6 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 5, जिसको हम लोग लिख सकते हैं पी बराबर 5/10, 5 एक 5, 5 दूना 10, ठीक है। लगे हाथ हम लोग जो है पी बराबर क्या माने हैं, तो पी बराबर हम लोग माने हैं 1/√x, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं चूंकि पी बराबर 1/√x बराबर 1/2, ठीक है 1/2, या इसको और सरल करें तो √x का इसमें गुणा करेंगे और 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 होगा, और 2 √x का 1 में गुणा करेंगे तो √x होगा, ठीक। अब √ का इधर पक्षांतर करेंगे, ठीक है बायां पक्ष में, तो √ का इधर लाएंगे तो ये वर्ग हो जाता है, तो 2 का वर्ग हो जाएगा और यह x बच जाएगा, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, अब बराबर x हो जाएगा, तो x की वैल्यू होगी 4, ठीक है x की वैल्यू कितनी हो गई 4। अब हम लोग को y की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग अब p बराबर 1/2 है, लिखेंगे p p बराबर 1/2 के मान को, p बराबर 1/2 के इस मान को समीकरण किस में रखेंगे, किसी भी समीकरण में रख दीजिए, समीकरण 5 में रख दीजिए, समीकरण 5 में रखने पर, समीकरण 5 में रख दीजिए रखने पर, तो समीकरण 5 में अगर हम लोग किसका मान रखते हैं पी का मान, तो समीकरण 5 में पी का मान रखते हैं तो 6 × p का मान 1/2 है, तो 6 × 1/2 अधन में 9 q है बराबर 6 है, 2 3 6 3 हो जाएगा, तो 3 + 9 q बराबर 6, 3 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 9 q बराबर 6 - 3 हो जाएगा, और
क्यू बराबर 6 में से 3 जा 3 हो जाएगा, तो क्यू बराबर 3/9 होगा, 3 × 3 और 3 × 3 9, तो हो जाएगा 1/3। हाँ, तो क्यू का मान हो गया 1/3। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि क्यू बराबर जो है क्या है, तो 1/√ में वाई है बराबर 1/3 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका क्रॉस गुणा करा देंगे तो 3 बराबर हो जाएगा 1/√y। अब रूट को इधर पक्षांतर कर देंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा बराबर y, 3 का वर्ग 3 × 3 = 9, तो y यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा 9। तो इस प्रकार हम लोग आंसर लिख सकते हैं, आंसर x बराबर 4 और y बराबर 9 आंसर हो गया, ठीक है, आंसर यहाँ पे लिखा ही है, ठीक। तो ये है आपका सलूशन। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि डेली आपको एक दो सवाल मिलते रहेंगे, और भी यदि आप कमेंट करेंगे तो उसको बताएंगे। तो इसी के साथ चाहेंगे।